तो गोरे कौवे से करूंगी शादी। जाओ जाओ, मैं नहीं करती शादी वादी। कालू कौवा सोचता है और फिर बोलता है गौरी कौवी से, अगर मैं अपने पंख गोरे कर लूं तो, अगर रंग बिरंग पंख लगा लूं तो करोगी ना गौरी तुम मुझसे शादी। मैं भी सुंदर सा बनकर आ जाऊंगा, वैसे भी मुझे 2 दिन हो गए नहाए हुए। इतना कहकर कल्लू वहां से उड़ जाता है और वो तो सोचता है कि रंग बिरंगे पंख कैसे लगाए जाएं। इतने ही सोचते सोचते वहां पर चील आ बैठती है। वह चील से बातचीत करने लग जाता है, चील को अपनी सारी परेशानी सुनाता है और चील उसे बताती है। ए काले कौवे, तुम क्यों परेशान हो मुझे बताओ। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, गौरी तो मुझे पसंद ही नहीं करती मेरे काले रंग की वजह से। बोलती है गोरे कौवे से शादी करेगी जिसके पंख रंग बिरंगे होंगे। चील सोचती है और फिर बोलती है कौवे से, तुम चाहो तो किसी भी परिंदे के पंख लगा सकते हो। क्या कहा, पंख और परिंदे के पंख? जाओ किसी भी परिंदे के पंख ले आओ। इतना ही कहकर चील वहां से उड़ जाती है। अरे यार, मैं पंख कहां से लाऊंगा अब, सोच रहा हूँ किसी पक्षी के पास जाऊं। और इतना ही कहकर कौवा वहां से उड़कर रानो चिड़िया के पास जा पहुंचता है। रानो चिड़िया, तुम्हारे पंख तो बहुत ही सुंदर है, क्या कुछ अपने पंख दोगी मुझे? मैं नहीं दूंगी पंख वंख, मेरे पंख बहुत सुंदर है। चिड़िया, अगर तुम मुझे पंख दे दोगी तो मेरी शादी गौरी से हो जाएगी। मैं नहीं दूंगी अपने पंख, जाओ किसी और से जाकर ले लो। कौवा तो अपना सामो लेकर वहां से उड़ जाता है और बेचारा पूरे जंगल में घूमता फिरता एक मुर्गे को देखता है और उसके पास जा पहुंचता है। उससे कहता है, मुर्गे, क्या तुम मुझे अपने पंख देना पसंद करोगे? मुझे गौरी से शादी करनी है। क्यों नहीं दे सकता हूँ मैं अपने पंख, मगर उसके लिए तुम्हें कुछ भुट्टे के दाने मुझे खिलाने पड़ेंगे। भुट्टे के दाने तो मैं लेकर आ जाऊंगा, मुर्गे भाई खेत से चुरा कर चोरी करने में तो मैं माहिर हूँ, आप तो जानते ही हो ना। हाँ मैं जानता हूँ, ठीक है तुम ले आना और मेरी मुर्गी मेरा इंतजार कर रही है। जैसे ही मैं मकई के दाने खाऊंगा और पंख फड़ाऊंगा तभी कुछ पंख टूट कर गिर जाएंगे और वह पंख तुम ले जाना अपने साथ। ऐसे तुम्हारा काम भी हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। कौवे को तो ये प्रस्ताव बहुत ही पसंद आता है। ठीक है मुर्गे भाई, मैं अभी जाता हूँ। कौवे जल्दी आना, मेरी बीवी मेरे घर पर इंतजार कर रही है। और कौवा तो वहां से उड़ जाता है और पूरे जंगल से घूमता घामता एक मकई के खेत में जा पहुंचता है। पहले सोचता है क्यों ना अपनी पेट पूजा की जाए और फिर काम दूजा किया जाए। मुझे भी बड़ी तेज भूख लगी है, क्यों ना पहले अपना ही पेट भर लूं, मुर्गे का बाद में देखा जाएगा। और कौवा मकई के दाने खूब शौक से खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है तो एक मकई का दाना वह मुर्गे के लिए भी ले लेता है। तभी किसान उसे देख लेता है और उसके पीछे भागने लगता है। जैसे तैसे कौवा तो उड़ता फिरता अपनी जान बचा ही लेता है। डंडा उसकी कमर पे लग जाता है पर उसे तो गौरी का भूत सवार होता है और वह अपनी शादी के चक्कर में तेज की उड़ान भरता है। हाँपता हुआ कहीं जाकर बैठ जाता है। आज तो मारा ही जाता, अगर वो किसान मेरे सर पे डंडा मार देता तो मेरा तो शरीफ
फट जाता और जैसे तैसे वो बेचारा मुर्गे के पास पहुंच जाता है। मुर्गे भाई जल्दी से ये मकई के दाने खाओ और पंख फड़फड़ाओ और मुझे फारिग करो। और वह खाना खाने लग जाता है। जैसे ही मुर्गे का पेट भरना चालू होता है वह पंख फड़फड़ाने लगता है और थोड़ी ही देर में पंख टूट कर गिर जाते हैं। कौवे की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। चलो इतने पंख तुम्हारे लिए काफी रहेंगे। कौवा तो पंख लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। अपने घर जाकर बैठता है और चैन की सांस लेता है। आज तो पूरा दिन पंख इकट्ठा करने में ही निकल गया। गौरी तुम मेरा प्यार कब समझोगी? गौरी देखो तो जरा कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं गोरे होने के लिए। न जाने तुम किस दुनिया में गुम हो। और कौवा तो बेचारा सो जाता है और अगले दिन की सुबह उठकर देखता है पर उसे पंख कम लगते हैं और वो सोचता है क्यों ना मिट्टू के घर जाके उससे भी कुछ पंख ले लिए जाएं। मिट्टू के पास जा पहुंचता है और उससे अपने मन की बात बताता है। मिट्टू मिट्टू मेरे प्यारे दोस्त बताओ बताओ कैसे आना हुआ कौवे? मिट्टू भाई मुझे आपके कुछ पंख चाहिए क्योंकि मुझे रंग बिरंगी पंखों की ज़रूरत है। मिट्टू तो सोच में ही पड़ जाता है और सोच साझ कर कहता है ठीक है मैं अपना पंख दे दूंगा मगर उसके लिए तुम्हें मेरे लिए भी कुछ करना होगा। ठीक है मिट्टू भाई आप जैसा बोले मैं वैसा ही करूंगा। आप बताइए क्या करना है। और मिट्टू तोता उसे घर की सफाई पकड़ा देता है, पूरे घर की झाड़ू लगवाता है और बदले में अपने कुछ पंख तोड़कर कल्लू कौवे को दे देता है। कल्लू मैं पंख दे तो रहा हूँ मेरे पंखों को रोजाना धोना अच्छी वाली शैम्पू से क्योंकि मैं बहुत साफ रखता हूँ। ठीक है मैं रोजाना नहाया करूँगा। वैसे भी शादी के बाद रोज ही नहाता है इंसान। इतना कहकर कल्लू तो वहाँ से उड़ जाता है और वह एक दुकान पर पहुँचता है। वह वहाँ से ग्लू खरीद कर अपने पंखों को चिपकाने बैठ जाता है। वाह कल्लू तू तो बहुत सुंदर लग रहा है। अब देखो गौरी तुझे